हेलो फ्रेंड, मैं हूं राजकुमार। आप लोग देखते हैं डा टेक्निकल इंट्रो। फ्रेंड, आप लोग सैमसंग का फ्रिज परचेस करना चाह रहे हैं या आप सोच रहे हैं कि एक फ्रिज खरीदना है और सैमसंग आप चूज़ कर रहे हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए कि सैमसंग का सर्विस कैसा है और उनका प्रोडक्ट कैसा है। पहले वीडियो देख लीजिए, बाद में आपको और भी एक्सप्लेन करेंगे। पहले वीडियो देखिए और देखिए इस तरह साउंड भी हो रहा है अभी। और ये देखिए ये पीछे वाला जाली, मैंने बहुत बार मना किया उनको कि ये जाली मत लगाइए, ठीक है। ये वगैरह ये चेंज किया कि नहीं पता नहीं है। देखिए आप लोग, ये देखिए कितना गंदा काम करके गया। देखिए फिनिशिंग देखिए काम का, ये जाली लगा के गया। ये देखिए ऐसा लटपट का जीनिस है। ये देखिए इधर उधर हो रहा है, वो क्लिप से जुड़े रहे चले गए। देखिए ये देखिए कितना गंदा काम है। देखिए आधा पाइप को पांच करके आधा उन्होंने झाल किया। ये देखिए कितना गंदा काम है। और बार बार मैंने मना किया उनको कि ये जाली मत लगाओ, लेकिन उन्होंने फोर्सफुली मेरे को कन्विंस किया कि जाली अगर नहीं लगाएंगे तो आपको सर्विस फ्यूचर में नहीं मिलेगा, आपको सर्विस डिनाई कर देंगे तो दोबारा नहीं होगा। अब देखिए फॉन्ट में देखिए, ये देखिए ऐसा है। देखिए फॉन्ट का देखिए कितना बोलूं सर्विस सेंटर के थ्रू, ये बहुत बहुत क्या क्या काम करते हैं आपको दिखाएंगे तो आपका दिमाग भी गर्म हो जाएगा। अब इधर साइड में हम दिखा देंगे, एक साइड में क्या किया उन्होंने। देखिए ये देखिए इधर देखिए जो लेके गए थे 7 दिन के बाद वो लेके, ये देखिए इतना, ये देखिए ये वाला स्टिकर देखिए इधर, पता नहीं कि ये हीट के कारण हुआ है, उन्होंने हीट दिया है किया है, मेरे को मालूम नहीं है। देखिए इतना फोल्ड 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 टाइप का हो गया है ये स्टिकर वाला, ठीक है। इसको क्या क्या बताओ कि क्या है ये? और भी आपको दिखाता हूँ, आप देखिए ये देखिए कितना सारा स्क्रैच उन्होंने इधर जब गाड़ी में लेके गया या लेके आया तब इस तरह का डैमेज किया उन्होंने, ठीक है। ये देखिए रस्सी वगैरह कुछ इधर कुछ बाधा था या गाड़ी में, ये देखिए रस्सी बांधने का ये दाग है, देखिए ठीक है। और अंदर जाते हैं, देखिए ये देखिए जब ये वाला उन्होंने चेंज किया, आप देखिए इसमें कोई क्या है, ठीक से लॉक नहीं होता है। पहले जो कट करके साउंड होता था, आप देखिए कितना लूज है। ये देखिए ऐसा काम है उनका, आप बोलिए। अब देखिए अब क्या आपको दिखाई दे रहा है, पानी दिखाई दे रहा है, उसमें एक्चुअली आइस होना तो चाहिए थोड़ा। एक कप ठंडा होता है, एक कप आइस होता है, कुछ मालूम नहीं पड़ता है। देखिए पानी ही पानी है, टपक रहा है। स्क्रीनशॉट हम आपको दिखाते हैं। सैमसंग के हर एक बंदे को हमने इस तरह कॉन्फर्म ये वीडियो ऑडियो सब कुछ सेंड किया था, फिर भी उन्होंने बोलता है कि नहीं मेरे को नहीं भेजा। ये देखिए जब परचेस किया, ये देखिए विष्णु दीप इलेक्ट्रॉनिक्स को ओवरहीट इशू दे रहे, लिख रहे और बिल के साथ भी भेज रहे थे। बिल ये अभी डिलीट कर दिए इसलिए इधर शो नहीं हो रहा है, मैंने ओवरहीटिंग इशू इसको बोल रहे। देखिए फिर से मैं बोल रहा हूँ कि ये नॉइज़ हो रहा है, साउंड हो रहा है, ये जब मैंने परचेस किया तब से ही इस तरह का इशू है और कोई इसका कोई सोल्यूशन उन्होंने देता नहीं था, ठीक है। ये देखिए हर बार बोला जाता है कि अब बिल भेज दीजिए हम देख लेते हैं, ठीक है। इस तरह बिहेव करते हैं वो लोग। और ये देखिए ये विष्णुदीप इलेक्ट्रॉनिक्स बोलपुर का है जहाँ से मैं परचेस किया था, ठीक है। उनका नाम अशोक है, वो देखिए इसलिए इधर अशोक दिखा रहा है। उनका चैट मैंने आपको दिखा दिया। मैं एक एक करके सैमसंग का हर एक बंदे का दिखाएंगे। इधर आप देखिए ये देखिए ये जो हम आपको दिखा रहे, ये शिवड़ी सर्विस सेंटर का हर एक
इंजीनियर का ये फ़ोन नंबर, दो तीन इंजीनियर फ़ोन नंबर है, वो उत्पल जो दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए, ये इनका नाम है चीन मॉय, इन्होंने वो जाली लगा के गया था, ठीक है। ये बंदा, इनका नाम है चीन मॉय, ये शिवड़ी सर्विस सेंटर का इंजीनियर है, उन्होंने काम करके गया था। देखिए आपको ऊपर से दिखाते हैं, थोड़ा स्क्रॉल करके ऊपर जाते हैं, देखिए ये देखिए, मैंने उनको साफ साफ ऑडियो, ये देखिए अभी नहीं चल रहा है, ये देखिए मैंने उनको लिखा है कि आपको चले जाने के बाद फिर ये प्रॉब्लम शुरू हो गया, आप सुनिए, उन्होंने हूँ करके ये रिप्लाई दे रहा है। फिर उन्होंने बोला आप वीडियो करके भेजिए, देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें ये वीडियो था, देखिए ये भी हमने लिखा है कि इस तरह का साउंड हो रहा है। फिर उन्होंने ऑडियो मांगा, फिर ऑडियो भेजा, आप लोग सिर्फ डेट देख लीजिए। फिर मैंने 6 जनवरी को भी भेजा, सेम प्रॉब्लम स्टिल नाउ, उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, इस तरह का है। फिर हम दूसरे बंदे को दिखाते हैं, आप देखिए ये जो बंदा है, इनका नाम है सौरभ है, उनको देखिए लिख रहा हूँ, ये जो डिटेल्स उनको भेज रहा हो, बिल भेजता हो, और देखिए उन्होंने जब रिपेयर करके गया था तो बिल नहीं दे रहा था, तब मैंने उनको इन्फॉर्म किया कि बिल अभी नहीं दे रहे, क्यों देखिए पढ़िए आप लोग तो आपको मालूम पड़ जाएगा। तो देखिए ये देखिए, और ये जो इमेज उन्होंने भेजा है, जब मेरे घर से ये फ्रिज उठा के ले गए थे तो उन्होंने इस तरह, ये देखिए ये क्या रखा है, सैमसंग कस्टमर सर्विस रिकॉर्ड कार्ड, ये रिकॉर्ड कार्ड है, मैं बार बार बोला कि आप पिकअप करिए तो रिसीप्ट कॉपी चाहिए, ये कहाँ से आपको लग रहा है कि ये रिसीप्ट कॉपी है, उन्होंने एक भेजा था, उनका काम देखिए सिर्फ। फिर हम दूसरे बंदे का चैट दिखाते हैं, आप दिखाएंगे उत्पल, ये सर्विस सेंटर का हेड है, देखिए उनको लिखा है कब, आप लोग सिर्फ डेट देखिए, ये देखिए उनको बोल रहा हूँ कि आप मेरे को सील एंड सिग्नेचर करके रिसिप्ट कॉपी भेजिए, ठीक है। क्या काम करते हैं, जब मैंने बोला कि आप भेजिए फिर भी आप भेजते नहीं हैं, देखिए बोलने के बाद वो लोग भेजते हैं, क्यों भाई तुम लेके जा रहे हो तो भेजो ना, ये देखिए डेट देखिए और उनका स्टैम्प भी देखिए, उन्होंने उठा के लेके गए थे, मतलब उनका जो इंजीनियर है इधर काम करने में फेलियर रहा इसलिए उठा के ले गए, देखिए इधर नॉइज इशू हमारे नाम पे, ये उन्होंने ये रिसिप्ट कॉपी मेरे को दिया था, मतलब उसका बंदा जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कहाँ से ये इशू हो रहा है, ठीक है। देखिए आप लोग, मैं डिटेल्स आपको दिखाता हूँ, देखिए आरके मल्टीनेशन शिवड़ी का है सर्विस सेंटर, ये सारे आप देख लीजिए और आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपको सैमसंग का फ्रिज आप लोगों को खरीदना है या नहीं खरीदना है, ठीक है। हम आपको स्क्रॉल करके दिखाएंगे क्या क्या बात होता था उनके साथ और उनका रिप्लाई थोड़ा देख लीजिए। ये देखिए गाड़ी के मामले में बात हो रही है, जब मेरे को रिटर्न नहीं कर रहे थे फ्रिज तब का चैट का देखिए, ये देखिए दादा रेफ्रिजरेटर कब मिलेगा, इस तरह लिखा था, ठीक है। मेरे को बहुत दिन से ये हैरेसमेंट कर रहा था और रिटर्न नहीं कर रहा था, जब लेके गए 7 दिन के बाद बोल के उन्होंने 14 दिन बाद मेरे को रिटर्न किया, देखिए सिर्फ डेट देख लीजिए आप लोग, 19 तारीख है, 2 तारीख उन्होंने लेके गया, 19 तारीख है, देखिए ये बात चल रहा है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, और उन्होंने ये जो लिखा लास्ट में कि इंजीनियर जाके विजिट करेगा, इसका कोई इंजीनियर विजिट भी नहीं हुआ, उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दिया, उसका भी कॉल रिकॉर्ड है हमारे पास, हम दूसरे वीडियो में आपको ज़रूर सुनाएंगे। और एक बंदा का दिखाते हैं, इनका नाम है सुमित, उनको देखिए, देखिए ये सुमित जी है, उन्होंने ये देखिए ये बिल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मेरे से
3800 लेके गया और बिल कितना के दे रहा है, और सॉरी बाद में मेरे को 1600 समथिंग मेरे को रिटर्न किया। ₹1687 आसपास, मतलब अप्रॉक्स 1700 रुपया के आसपास मेरे को रिटर्न किया, लेकिन बिल कितना दे रहा है और ठीक से देखिए उनका क्या चार्ज हो रहा है। देखिए लेबर चार्ज इसमें ठीक से देखिए, ये चीज़ देखिए, लेबर चार्ज 450 प्लस टैक्स। जो रेफ्रिजरेटर अंडर वारंटी है उनका सर्विस चार्ज लग रहा है 450 प्लस टैक्स अंडर वारंटी। देखिए लेबर कॉस्ट, देखिए ये वाला देखिए लेबर कॉस्ट, टोटल बिल अमाउंट देखिए 992 टोटल बिल अमाउंट। जैसे कि वो लोग मेरे से 3800 लेके गया और बाद में रिटर्न किया अप्रॉक्स 1700 रुपया। बाकी का ये देखिए बिल, देखिए बाकी तो बिल आधा मिला नहीं, और आधा के ये देखिए लेबर कॉस्ट जो देख पा रहे हैं आप लोग ठीक से देखिए, लेबर कॉस्ट, अदर कॉस्ट और फ्रेट चार्ज, ऐसा करके तीनों उन्होंने इधर लिखा है। ये देखिए 450 रुपीज़ प्लस टैक्स का ये लेबर कॉस्ट उन्होंने सबमिट किया मेरे को। देखिए इस तरह का सैमसंग का काम चलता है। देखिए और एक डिस्क्रिप्शन में और एक पार्ट दिखा रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये पेटर रोल बॉन्ड, रोल बॉन्ड वन डोर, और आपको दिखाएंगे कि डोर आपको तो दिखा दिया ऑलरेडी कि डोर कैसे लग रहा है, अभी तक ठीक से नहीं लगता है। ठीक है, उनका काम कितना गंदा काम है। मैंने बार बार मना किया था कि इस तरह का जाली मत लगाओ, मेरे को कन्विंस किया कि आप नहीं लगाएंगे तो नेक्स्ट टाइम आपको सर्विस नहीं मिलेगा, इसलिए नहीं मिलेगा कि हम इधर अब हम डिनाई कर रहे हैं, इसलिए फ्यूचर में कोई सर्विस नहीं मिलेगा, अगर हम सर्विस लेंगे तो फ्यूचर में वो लोग सर्विस देगा। ठीक है, इसी बातों से मेरे को कन्विंस किया कि ठीक है। तो मैंने बहुत सारा फ़ोन करके देखा, हर बंदा ने एक ही बात बोल रहा था सर्विस सेंटर से, तो मैं लास्ट क्या करूं, कोई ऑप्शन नहीं है। विष्णुदीप को भी इन्फॉर्म किया, अब जाके वो काम करवाना पड़ा, फिर जाके उनका बिल और काम देख लीजिए, फिर जो रेफ्रिजरेटर है उसमें तो इशू ही इशू है, अल्टीमेटली कोई सॉल्यूशन हुआ नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। ठीक है, हम थोड़ा और इस बंदे को, हम आपका जो फ़ोन नंबर वगैरह ये भी हम आपको दिखा देते हैं। देखिए देखिए उन्होंने ये जो है ये सर्विस मैनेजर है, सर्विस मैनेजर को भी हमें सब कुछ दिया, उनका बिल कॉपी सब कुछ, ये देखिए उनको भी ऑडियो वीडियो सब कुछ भेजा था, और उनको भी मैसेज पे लिखा था कि मेरे साथ सर्विस सेंटर क्या क्या कर रहे हैं, वो भी हम लिखा है, देखिए डिटेल्स में इधर लिखा है। और एक वीडियो आपको दिखाएंगे कि पहले फ्रिज में कितना आइस जम जाता था, वो भी नॉर्मल इशू है, सैमसंग का सर्विस सेंटर ये दावा कर रहे हैं उनका ये नॉर्मल इशू है, वो वीडियो हम बाद में इसका बाद में हम दिखाएंगे, वो भी आप देखते जाइए। ये देखिए उनको एक एक सर्विस मैनेजर है, ये जो चैट आप देख पा रहे हैं एक सर्विस मैनेजर है, एरिया सर्विस मैनेजर है, उनका नाम है पार्थो, ऐसा कुछ नाम है उनका पार्थो, उनको फ़ोन नंबर सब कुछ हम आपको दिखाएंगे भी। ये देखिए जो फ्रिज मेरे को रिटर्न नहीं कर रहा था तब भी मैंने उनको ये इन्फॉर्म किया, लेकिन इसका कोई देखिए फीडबैक देखिए सिर्फ, कोई फीडबैक नहीं है, मतलब कस्टमर का कोई वैल्यू नहीं है इसके पास। ठीक है, देखिए वीडियो भेजा है और लिखा है, देखिए लास्ट जो देखिए ये वीडियो भेज चुके हैं,
लेकिन उसके तरफ से कोई मैसेज नहीं है। ये देखिए उनका नंबर है, ये उनका नंबर है, ये बीरभूम डिस्ट्रिक्ट का ये एरिया मैनेजर है। ये देखिए इनका नाम है सुमित है, ये बड़े बड़े बात करते हैं और गलत इन्फॉर्मेशन सर्विस सेंटर को प्रोवाइड करते हैं। वो हम वीडियो ऑडियो आपको सुनाएंगे दूसरे भी। इनका नाम है उत्पल, ये सर्विस इंजीनियर का हेड है। ये देखिए ये सर्विस सेंटर का हेड, और एक बंदे को दिखाएंगे आपको। इनको तो दिखा दिया, ये चिन्मय है, उन्होंने जाली लगाया था और इन्होंने ज़्यादा पैसा मेरे से लेके गया था। और इनका नाम है सौरभ, ये बंदा मेरे घर पे आया था और एस्टिमेट देके गया था, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया। जो बंदा एस्टिमेट देते हैं वो काम नहीं करते, जो काम करते हैं वो एस्टिमेट नहीं देते। आप देखिए एक हम थोड़ा कॉन्वर्सेशन सुनाएंगे, जो विष्णुदीप इलेक्ट्रॉनिक्स हम और सर्विस सेंटर बात कर रहे हैं। ये बात ठीक से सुनिए, ध्यान से सुनिए, तो आपको मालूम पड़ेगा कैसा सर्विस है उनका। हेलो अब्दुल, বলছি স্যার হায়ারে ফ্রিজ জানা? হ্যাঁ, ওটা কোন কোম্পানি ছিল ফ্রিজ জানা? স্যামসাং। স্যামসাং ফ্রিজটা কে ফ্রিজটা? হ্যাঁ আছে। দাও আর আগে কাটবেন না, হ্যাঁ ফোনটা দাও হোল্ড করুন। আমি লাইনে আছি একজন আগে। যে ব্যক্তির সঙ্গে আপনি কথা বলছেন তিনি আপনার কলটি হোল্ডে রেখেছেন, অনুগ্রহ করে লাইনে থাকুন। আপ জিস ব্যক্তি সে বাত কর রহে হ্যায় উনহোনে আপকে কল কো হোল্ড পর রাখা হ্যায়, কৃপয়া লাইন পর বনে রহে। দ্য পার্সন ইউ আর স্পিকিং উইথ হ্যাজ পুট ইওর কল অন হোল্ড, প্লিজ স্টে অন দ্য লাইন। যে ব্যক্তির সঙ্গে আপনি কথা বলছেন তিনি আপনার কলটি হ্যালো 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 রাজকুমারদা, হ্যাঁ সৌরভ, হুম এই রাজকুমারদার এই কি একটা কি ফ্রিজের কি হয়েছে কেসটা? কি ফ্রিজটা খুঁজে লিখছিল বোধহয়, ওটা তো গ্যাস কাজ করেছিল, অফিস থেকে এসেছিল চিন্ময় রুবাই, ওরা ছিল রিপেয়ার করে গিয়েছিল, প্রথমবার প্রবলেম হয়েছিল সলভ হয়নি, মানে করেছিল সলভ হয়নি, সেকেন্ড বারও গিয়েছিল আবার দেখি প্রবলেম হয়েছে, আবার প্রবলেম হয়েছিল। তো আমি প্রথমে বলেছিলাম যে ওরকম করে পেছনে জালি ফালি লাগিয়ে না, তখন আমাকে বারবার বলেছেন না কোনো অসুবিধা হয় না কিছু হয় না, ঠিক আছে আপনাদের ওখান থেকে বলা হয়েছিল, আমি জানি না, আমাকে নতুন দিতে হবে। কোম্পানি থেকে সার্ভিস করেছে তো? হ্যাঁ কোম্পানি জালি লাগিয়েছে, কোম্পানি থেকে জালি লাগিয়েছে তো, কোম্পানি থেকে জালি লাগিয়েছে। আপনি কি বলছেন? এখানে আমরা আপেল সার্ভিস সেন্টার বলছি। হ্যালো হ্যাঁ বলুন, কেসটা কি হয়েছে? কেসটা কি হয়েছে, প্রবলেম কি হচ্ছে এখন? এখানে ওই মসজিদ রোডে যান, ওখানে হয়তো অনেক দোকান পাবেন, সার্ভিস সেন্টার পাবেন না। হ্যালো হ্যালো, এখন কি প্রবলেম হচ্ছে স্যার? এখন প্রচন্ড সাউন্ড হচ্ছে দিনের, মানে রাত্রে তো খুব বেশি, মানে ঘুম ভেঙে যাচ্ছে এত সাউন্ড হচ্ছে। আচ্ছা আমি সার্ভিস সেন্টারকে বলছি, ফোন করতাম আগে। করুন যা করবেন করুন, আমি ওই ইউনিট আর নেবো না, সার্ভিস করে আমি আর নেবো, কারণ আমি ঢুকে যাচ্ছি ওই জিনিস ভালো চলবে না, ওই আমার ওয়াইল এই থাকতে থাকতেই এই প্রবলেম, ঠিক আছে বারবার ওই একই জিনিস, এই শব্দ হচ্ছে, এই ঠান্ডা হচ্ছে না, নানা রকম আর ভুলভাল বুঝতে আপনারা সার্ভিস করে দিচ্ছেন, ওতে কোনো কাজ হবে না। ঠিক আছে আপনাকে অফিস কে বলছি ফোন করতে, আপনাদের কোনো আপনাদের এতজনের মানুষের কোন কারো কাছে কোন সঠিক ভুলভাল নিয়ে চলে যায়, এস্টিমেট দিয়ে চলে যায়, হ্যাঁ ভুল টাকা নিয়ে গিয়ে যখন বিল দেয় না, তার আপনার এটাই দুঃখিত যে আপনাকে একটা এস্টিমেট দেওয়া হয়েছিল
টাকাটা রিটার্ন দেবো একদিন দুদিন তিন দিন চার দিন পাঁচ দিন দশ দিন পর যখন আপনারা দিচ্ছেন না শুনুন দাদা দশ দিন পরেও যখন আপনারা বিল দিচ্ছিলেন না তখন আপনি বললেন ওখান থেকে কি বলো যে না তাহলে আবার দ্বিতীয়বার কল করতে হবে টাকাটা এইভাবে বেশি এসছে আপনার নতুন করে বিল হবে কেন আপনারা যদি সঠিক তথ্য থাকতো তাহলে আপনারা এই জিনিসগুলো কেন করছেন কথাটা শুনুন সৌরভ যখন জানতে পারছি যে টাকাটা বেশি নিয়ে ফেলেছি তো রিমাইন্ডার দেওয়া দরকার ছিল দাদা আপনার টাকা বেশি হয়েছে স্যার আমি দশ দিন পর আমি জানি না দাদা আমি আমি দেখো আমি আমি কাজে দিতে যাচ্ছে একজন কাজ করতে যাচ্ছে এগুলো কি ধরনের যে জানে যে যায় তাতে আপনি চাই না ঠিকঠাক ভাবে আমি ওই ইউনিট নেবো না দাদা আপনারা যা পারবেন নিজেদের মতো করুন আমার নতুন ইউনিট দরকার ভাই চল সোজা কথা আমি ওই সার্ভিস করা ইউনিট আমি নেবো না ভুলভাল টাকা নিয়ে চলে যাবে কাস্টমার হ্যারাসমেন্ট হবে সেটা হতে পারে না দাদা তার জন্য আমি আমি ফোন করেছি তার জন্য আমি ফোন নিয়েছি কি হচ্ছে সেটা জানতে হবে বুঝতে পারলেন ফালতু তো বলে তো লাভ নেই আমাকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে দেবো না না পয়সা নেবে সেটা তো আমার কাজ নয় এক মিনিট হ্যাঁ হ্যাঁ দিয়ে যাচ্ছে বিল দিচ্ছে না কেন সেটা আমাকে জানতে হবে যে শুনুন দাদা একটা একটা কথা শুনুন যে এস্টিমেট দিচ্ছে সে কাজ করতে আসছে না বেশ ঠিক আছে সে যদি কাজ করতে না এলো যে কাজ করতে যাচ্ছে তাকে কেন আপনারা আপডেট করছেন না সে নিজেও জানে না কত টাকা নিতে হবে কত টাকা দিতে হবে সে বেশি করে টাকা নিয়ে চলে গেল আমাকে কোনো বিল দিচ্ছেন না বিল যখন আমি দিনের পর দিন ফোন করে করে যখন আপনাকে ইনফর্ম করছি তখন তারপরে বলছেন যে না তাহলে আমাদের ভুল হয়েছে আপনাকে আমি বিলটা যেগুলো পেয়েছেন ওইগুলো আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করুন আমি এখনই কথা বলছি আমি 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 শুনুন আমি ওইটা আপনারা সব ওখান থেকে সব আছে আপনাদের কাছে আপনারা ওখান থেকে নিয়ে নিন আমারা না আপনাকে পাঠাতে হবে ওইখানে আমাদের আমি সার্ভিসিং সেন্টার না আমি সেলস টিম কে টিম আমি দাদা আমি জানি না আমি আপনার নামও জানি না যা বোঝার যা করার আপনি করুন ব্যাস আমি আর কিছু জানি আমি যদি কি লাগবে সেটা বলুন আমি সেটা আপনাকে পাঠাচ্ছি ঠিক আছে আমি দাদা ওই দাদাকে আমি বিল পাঠিয়ে দিচ্ছি হোয়াটসঅ্যাপে এবার আপনি ওই দাদার কাছ থেকে নিয়ে নিন আপনারা এক টাকা নিয়ে যান